ना मैदा ना आटा और ना ही जरूरत है चावल की। तो आज हम आपके साथ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। रोज रोज वही वही नाश्ता खा के बोर हो चुके हैं, तो एक बार इस हेल्दी रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के साथ आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं छाया, स्वागत है आपका हमारे चैनल। गैस पर हम एक पैन रखेंगे, इस पर हम डालेंगे एक चम्मच तेल और तेल को हम कर लेते हैं गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, आधा चम्मच हम इस पर डालेंगे जीरा और साथ ही हमने लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा, ग्रेट कर लिया था। हरी मिर्ची दो ली हमने, चॉप कर ली थी, और इनको हम थोड़ा सा तड़का लेते हैं, मसाले हमारे फूट जाते हैं, बढ़िया भुन जाए। एक मीडियम साइज का प्याज लिया, फाइन चॉप किया था, इस पर हम ऐड कर देते हैं। और अब हम प्याज को भून लेते हैं। प्याज को हमें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा हम इसको कलर चेंज करेंगे। और ये देखिए प्याज हमारी भून चुकी, इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे। इस नाश्ते में बहुत सारी सब्जियों का यूज करेंगे, आधी गाजर जिसको फाइन चॉप किया, आधा शिमला मिर्च और साथ ही आधी कटोरी पत्ता गोभी, आधी कटोरी मटर। इस रेसिपी में आप मनचाही सब्जियों का यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच नमक। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक मिनट तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट अभी नहीं करेंगे। और ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इधर हमने लिया है एक टमाटर जिसको फाइन चॉप किया था, और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बस हम एज अ मिक्स करेंगे थोड़े देर के लिए, जिससे ये सारी बढ़िया सॉटे हो जाए। अब हम इसको कवर कर देते हैं एक मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता। एक मिनट बाद आप देखेंगे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इस पर डालेंगे कुछ सूखे मसाले, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और सारे टेस्ट बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, टेस्ट बढ़िया आएगा। और सारे मसाले को हम एक मिनट अच्छे से भून लेते हैं, जिससे मसालों का सारा कच्चापन चला जाए। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे टेस्ट भी उतना अच्छा आएगा। दो उबले आलू लिए हैं और इनको ऐसे ही रफली तोड़ लिया, एकदम मैश नहीं करना है ना ही ग्रेट करना है। और अब हम इस पर डाल आलू के हिसाब से आधा छोटा चम्मच नमक और बहुत सारा हरा धनिया। और अब हम सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे आपस में ये मिल जाए। अब मेन पॉइंट, आपको मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, तभी इस रेसिपी का टेस्ट बढ़िया आएगा और भुने हुए चीज का फ्लेवर काफी बढ़िया आता है। 5 मिनट तक मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया, कलर टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया, बहुत सारी सब्जियों का मैंने इस पर यूज किया है। बस अब हमारा मसाला रेडी हो गया है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको गैस से उतार के एक बाउल पर हम खाली कर देते हैं। इस फिलिंग को आप इस रेसिपी के अलावा किसी पर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते। वापस से मैंने वही पैन लिया है, इस पर हम लेंगे 1.5 कटोरी पानी। इस रेसिपी के लिए आप कोई कप कटोरी सेट कर लीजिए, इससे जो रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। और 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल हम ऐड कर देंगे, स्वाद के अनुसार 1 छोटा चम्मच हम इस पर नमक डालेंगे। और सारी चीजों को एक बार हम अच्छे से मिला देंगे और इस पर एक बॉयल आने का हम वेट करते हैं। बॉयल इस पर आ गया, गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर लेंगे और अब हम इस पर लेंगे 1 कटोरी सूजी। तो आज हमें सूजी का यूज करके इस रेसिपी को बनाएंगे। एक हाथ से हम डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से इसको मिलाते जाएंगे। एक साथ सूजी नहीं डालना, वरना इस पर लम्स पड़ जाते हैं। और सारी सूजी को हम इसी तरीके से इस पर ऐड कर देते हैं और गैस का फ्लेम आपको स्लो ही रखना है और इसको हम मिलाते जाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये जो सूजी है ना, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये अपना पैन नहीं छोड़ने लगता। इस प्रोसेस में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आपकी सूजी एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और ये देखिए अपना पैन भी छोड़ने लगा है। बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। इस स्टेज पर हम गैस को कर देते हैं बंद और अब हम इसको कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये हाथ से छूने लायक ठंडी हो जाए। 2 मिनट बाद ये देखिए सूजी हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। एक प्लेट पर हम इसको निकालेंगे और हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं। तो यदि हमारी इस रेसिपी में पानी का मेजरमेंट परफेक्ट है, तो हमारा डो भी एकदम परफेक्ट रेडी होगा। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मसल के तैयार कर लिया, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। बस ऐसा ही डो की हमें इस रेसिपी में जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे कि ये जो डो है ना, एकदम ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसके हम 2 पीस कर लेते हैं और थोड़ा लंबा लंबा किया और रोटी की तरह हम इसकी लोइयां कट कर लेते हैं। सारी लोई हमें इस तरीके से काट के लोई को इस तरीके से रोल करके रोटी जैसे पेड़े बना के सारे हमें तैयार कर लेने। ये देखिए सारे पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए। सारे पेड़े को मैंने एक बाउल पर ट्रांसफर कर लिया और अभी हम इनको साइड पर रख देते हैं। और अब हम लेते हैं जो पूरी सेकने वाला झारा होता है ना, इस तरीके का तार वाला,
और एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरीके से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये फैल जाता है क्योंकि डो हमने एकदम परफेक्ट बनाया है। छोटी पूड़ी की तरह हमें इसको बना लेना है और निकालना भी बहुत ही इजी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, कितना बढ़िया इस पर डिजाइन आया है। अब हम इस पर 2 चम्मच स्टफिंग भर देंगे जो हमने सब्जियों से भरी हुई बनाई थी और अब हम इसको चिपका देते हैं। पानी वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से ये चिपक जाता है। और बस ये देखिए कितना परफेक्ट डिजाइन का ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो, बहुत बढ़िया इस पर डिजाइन आ गया है। इसको हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। चलिए एक और बताती हूँ, फिर से इस तरीके से हम इसको फैला देते हैं, ये भी फैल गया। और अब आप चाहें तो इसी तरीके से आप इस पर स्टफिंग भरिए, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। और अब हम इसको इस तरीके से हाथों से निकाल लेते हैं और अब हम इसको फिर से इस तरीके से चिपका देते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये नाश्ता बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। ये देखिए ये भी बन गया और इसी तरीके से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे नाश्ते को हमने बना लिया। यदि आप इस नाश्ते को अभी यूज नहीं करना चाहते हैं या टाइट डिब्बे पर आप फ्रिज में रख दीजिए और इसे साइड कर लेते हैं। हम रखेंगे एक पैन, इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ऑयल को हाई फ्लेम पर मैंने गर्म कर लिया है। अब हम इस पर सारा नाश्ता डाल देंगे एक एक करके, जितने आपके कढ़ाई में आ जाए उतना नाश्ता आप इस पर डाल दीजिए। और सारा नाश्ता डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे और 2 मिनट बाद हम इसको साइड चेंज कर देंगे और ये देखिए इस पर कलर आने लगा है। और 2 मिनट फिर से सिकने देंगे और फिर हम इसको हाई फ्लेम पर बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इस प्रोसेस में आपको 5 मिनट लग जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ते का कलर आ गया। पास से मैं दिखाऊं कि कितना यम्मी ये नाश्ता बना है। तो चलिए इसको हम एक टिश्यू पर निकाल लेते हैं। ऑयल हिलाते हुए एक टिश्यू पर सारा नाश्ता ये हमने निकाल लिया, बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। टमाटो केचप और गर्मा गर्म ये क्रिस्पी सब्जियों से भरा बहुत ही हेल्दी नाश्ता। आपने बहुत तरीके के नाश्ते बनाए होंगे लेकिन मेरी गारंटी इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा। बहुत ही टेस्टी मजेदार ये लगता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। और ये देखिए इतना क्रिस्पी, सुन रहे हैं आप इसकी आवाज, बहुत ही क्रिस्पी ये बनता है। मैं तोड़ के भी दिखाऊं कि अंदर एकदम चटपटी मजेदार सब्जियों से भरी स्टफिंग, खाते ही मजा आ जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।